हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के खारिया में 8 मार्च को करेंगे रैली। ये रैली सिरसा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। सिरसा में बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने बजट को लेकर ये कहा कि इस बार बजट बहुत अच्छा रहने वाला है, लोगों के हित को देखते हुए बजट तैयार किया गया है। आएंगे जी खारिया गांव में, और खारिया गांव में लैंड करेंगे, वहीं से चंडीगढ़ जाएंगे। बहुत बड़ी रैली होगी, मैं समझता हूँ कि सिरसा के इतिहास में ऐसी रैली नहीं होगी। मेरा अपना अंदाजा है कि ये 70-80 हज़ार से भी ऊपर जाएगी, लाख भी हो सकती है। नहीं, मुख्यमंत्री जी हैं, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स कई आएंगे जो हमारे दोस्त हैं। इतनी बड़ी रैली है तो मैं भी शो ऑफ दिखाना चाहूँगा कि सब लोग देखें कि बहुत बड़ा क्राउड है। देखिए बजट बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा बजट है जो पेश होगा, और सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए जितना मैक्सिमम करेगी वो करना चाहिए। विपक्ष के सरकार गिरने के बयान पर रंजीत सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष लोगों के मनोरंजन के लिए इस तरह के बयान दे रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कि मैं नहीं मानता कि कोई सरकार गिरने की बात है, एलिगेशन है, पॉलिटिकली ज्यादा वेंडेटा है, इसमें धरातल की बात नहीं है। वो भी जानते हैं सरकार नहीं गिरेगी। केरला में एक वोट से सरकार चलती रही, यहाँ तो 58 है जो डिक्लेयर है कि हम सरकार के साथ हैं। लोगों का मनोरंजन कैसे करें, कुछ और मुद्दा है नहीं, कोई सकारात्मक उन पे कोई आलोचना है नहीं, इस करके वो फिर इस तरीके की बात। 8 मार्च को सिरसा में होने वाली इस रैली में ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री के सामने हल्के के लिए कौन कौन सी मांगे रखते हैं और किन मांगों को मुख्यमंत्री पूरा करते हैं, ये देखना होगा।